ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई भाई सब कसाई आ रहा है मार्च महीने में, क्या सीन है? इसके प्लान बनाया तुमने कि कोई नहीं बनाया? आज मुझे बताओ क्या बनाया तुमने? तुम तो खाने पे लगे हुए कल से, कोई स्केप प्लान नहीं है तुम्हारा? हाँ भाई तो कोई नहीं है इसका, जी खाना ही खा रहा है, कोई स्केप प्लान नहीं है। उसको भी खिलाते हैं, आज तेज रहे रुक जा, तू ये खत्म कर ना उसको खिला के। ये नीचे से खाता है, हाथ से क्यों नहीं खाता मुझे नहीं पता। ये पत्ते खा लो तुम लोग, हमने थोड़ी खाने हैं बाद में। ये हमारी सोया खीर डैडी डैडी एप्पल को। ईद के दिन घर के क्या क्या हालात होते हैं? आमना बेटे तुम अंदर चली गई हो, ये देखिए घर में क्या हो रहा है। ईद वारिक कीपिंग एन आई क्या आ गई जे कलेजी आ गई जे बस यही कुछ बाल काट दिया मुझे ए तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे जी कि कसाई भाई थोड़ा जल्दी चले गए, मतलब जल्दी जल्दी में काम निपटा के, और जो हमारे बकरों की बोटियाँ वो इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की थी कि मैंने और उजाला पाजी ने मिलके, फिर आगे वीडियो भी है उसमें थोड़े थोड़े काटे हैं उनको ताकि सबको इक्वली हिस्सा जाए। तो गाइस अभी नाइट ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया हमने, अब हमारे घर कलेजी बन गई है, अब नान लेने गए हैं सारे, और फिर कलेजी खा के वो गोश्त पड़ा इसी के आगे रखा हुआ उसके पैकेट बना के बांटेंगे और फिर असल वाला तैयार होंगे। बहुत लंबा थी ना हमारे उसके ऊपर यहाँ पे हम साथ साथ पैकेट्स बना रहे थे और बाहर लोग आए जा रहे थे, हम उनको गोश्त दिए जा रहे थे। तो गाइस अभी शाम हो गई 7 बज गए, मैं बस रेडी होने लगी ताकि थोड़ी सी पिक्चर्स खींच लें और फिर निकलते हैं। तो मेरा अभी ड्रेस मैंने निकाला है, दिस इज़ अ ड्रेस, दिस इज़ फ्रॉम हुसैन रे, और उसके साथ मैंने जहान से इयरिंग्स ऑर्डर किए थे, जहान इज़ दिस ब्रांड, और अब यही पहनेंगे। और मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। हुआ कुछ इस तरह है कि ये वो ड्रेस नहीं था जो मैंने आज पहनना है, मतलब कि आप यकीन माने ज़िंदगी में कभी इस तरह मेरे साथ नहीं हुआ जो आज हो गया। सुबह मैं आ रही थी ऊपर, तो मतलब कि 7-8 बजे जब मैं ऊपर आई तो मुझे इरम ने कहा कि आपने आज क्या पहनना है, ऐसे मैं रेड वाला ड्रेस पहनूंगी जो कि रेड ये नहीं है। तो एकदम से मैं ऊपर आई, ऐसे मैं पहले 2 स्टेप्स चढ़ रही, एक चढ़ी दूसरा चढ़ी, एंड मेरे दिमाग में से हिट किया कि रेड का सूट रेडी है, जूते रेडी हैं, ज्वेलरी ऑर्डर कर ली थी, सब कुछ हो गया था, इवन लिपस्टिक भी डिसाइड कर ली, रेड का दुपट्टा ही रेडी नहीं है गाइस। मतलब कि ऐसी फजूल ट्रेजेडी हुई है ना मेरे साथ, और वो सूट का जो दुपट्टा है वो लिटरली पीसेस में है, उसके 4 कॉर्नर्स के पैचेज हैं, उसके बॉर्डर के पैचेज हैं। पहले मैंने ऊपर आके देखा कि शायद मैं उसको पहन लूँ, उसको पैच, चलो पैच छोड़ो, अगर वो उसके बॉर्डर्स रेडी होते ना तो मैं पहन लेती, लेकिन वो सिर्फ एक ऑर्गेन्जा का कपड़ा और वो कुछ भी नहीं। मेरे ड्रेस रेडी है, मैं लिटरली टेलर से लल्लड़ के कपड़े कल ऑर्डर मंगवाए हैं कि मैंने पहनना है, मैं वो पहन भी नहीं रही। मतलब मेरा दिल इस तरह टूटा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इमेजिन यू आर अ गर्ल एंड यू कैन नॉट वेयर योर ईद का जोड़ा विच यू डिसाइडेड यू बॉट एवरीथिंग, और दिमाग कितना ख़राब होगा। इसलिए आज मैं रेडी होने का दिल ही नहीं कर रहा था, वरना मैं अर्ली जल्दी तैयार हो जाती हूँ, बट अब 7 बजे मैंने सोचा तैयार हो ही जाते हैं। आई हैड दिस ड्रेस, ऑब्वियसली 3 सूट थे मेरे ईद के 3 दिन के लिए,
ये वाला ड्रेस मैंने तीसरे दिन के लिए रखा था और इसके साथ कोई ज्वेलरी भी ऑर्डर नहीं की थी। ये वाली जो मेरी ज्वेलरी है ये इसके साथ मैच की है। ये मैंने पिछले साल छोटी पे पहनी थी एंड इट मैचेस परफेक्टली। इसमें थोड़ा ब्लू भी है सी, सो चल जाएगा काम। इसके साथ जूते भी नहीं थे जो पिछली पे पहने वो निकाले हैं, कैन यू इमेजिन। मैं हो गई हूँ रेडी, मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ पीछे से। और मैंने मेकअप कर लिया है, थोड़ा सा ब्लश ज़्यादा लगाया क्योंकि अभी हम निकलने में थोड़ा टाइम है, तब तक ब्लश कम हो ही जाएगा। मैं आपको आउटफिट पूरा दिखाती हूँ, मैंने अभी शूज़ नहीं पहने सैलून जा। ये है जी मेरा पूरा आउटफिट। मैंने अभी घर की चप्पल पहनी, मैंने वो वाले हील्स पहने हैं एंड बाल स्ट्रेट कर लिए हैं, इयररिंग्स भी पहन दी हूँ नीचे जाके। एंड यहाँ पर मैंने टसल्स लगवाए थे, पाँव इधर भी टसल्स हैं एंड आई थिंक इट्स क्वाइट गुड कि अगर वो ड्रेस नहीं चला तो प्यारा लग रहा है, सो या। और इसके बाद आपके बहन सब कुछ रिकॉर्ड करना भूल गई। अब मैं घर वापस भी आ गई और ईद ख़त्म भी हो गई। तो गाइस ईद मुबारक आप सबको और इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, डोंट वरी। चांद कितना प्यारा है। Than you know.